हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई मेरे पास ना कमेंट आ रहे थे, मतलब वीडियोस में पहले भी दो तीन भाइयों के आए हैं कि जो ये इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है फ्रॉन्क्स में, वो किस तरीके से काम करता है एंड क्या वो एसी को बंद कर देता है जब वो टेम्परेचर अचीव कर लेता है, किस तरीके से प्रॉपरली वर्क करता है। इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ। तो भाई अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस वीडियो को अभी भी छोड़ सकते हो, कोई नहीं है। मैं सिर्फ उन भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको इस वीडियो की नीड थी या फिर जिनको नहीं पता कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल किस तरीके से काम करता है। चलो भाई इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी अपन आ चुके गाड़ी के अंदर। तो भाई मैं सबसे पहले बता देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए रहेगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाने वाला हूँ। तो भाई देखो, फ्रॉन्क्स में आता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ। ये है आपका रिसर्कुलेशन का, कि अगर ये ऑन रहेगा तो गाड़ी अंदर की हवा अंदर रिसर्कुलेट करती रहेगी। अगर आप इसको बंद कर दोगे तो यहाँ से लाइट चली जाएगी प्रॉपरली, एंड लाइट जाने के बाद मतलब है कि अब गाड़ी बाहर से हवा लेनी स्टार्ट कर देगी, रिसर्कुलेशन बंद हो जाएगा इसका। ये है भाई कंप्रेसर का। अगर आप जैसे मान लो फैन स्पीड ऑन रखते हो, अभी एसी मेरा ऑन है 24 के टेम्परेचर पे, तो अगर यहाँ पे लाइट जल रही है इसका मतलब है कंप्रेसर ऑन है गाड़ी का। इसको बंद कर दोगे तो सिर्फ फैन चलता रहेगा, कंप्रेसर बंद हो जाएगा, एंड इसको कर दोगे तो कंप्रेसर ऑन रहेगा, यहाँ पे एसी लिखा हुआ आ जाएगा। फिर बात करें ऑफ की, तो भाई यहाँ से करोगे तो आपको पता है एसी पूरा ही बंद हो जाएगा। फिर वापस से फैन स्पीड ऑन करोगे, यहाँ पे लाइट आ गई, दैट मीन एसी दोबारा ऑफ हो गया। यहाँ से आप ऑफ कर दोगे, यहाँ से गाड़ी इसका एसी प्रॉपरली बंद हो गया। ऑटो पे करोगे तो भाई ऑटो पे कैसे काम करता है मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपने टेम्परेचर सेट कर रखा है इसका 24 पे, ठीक है, तो आप ये अपने आप टेम्परेचर सेट नहीं करेगा। आप ऑटो पे करोगे तो ऑटो पे कर दोगे ना तो क्या होगा, ये फैन स्पीड बढ़ा देगा। एंड होगा क्या, अब जैसे ये अपने आप फैन स्पीड बढ़ा रहा है, आपको आवाज़ सुन रही होगी या फिर यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये अपने आप फैन स्पीड बढ़ा रहा है अपनी इसकी फैन की, एसी के जो फैन होता है उसकी। तो होगा क्या, धीरे धीरे फैन स्पीड बढ़ाएगा, फुल पेस की फैन स्पीड कर देगा। फिर क्या होगा, जैसे ही गाड़ी के अंदर प्रॉपर एक टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, जैसे अब मैंने 24 डिग्री कर रखा है, तो गाड़ी के अंदर जब 24 डिग्री टेम्परेचर पूरा तरीके से मेंटेन हो जाएगा ना, तब ये क्या करेगा, ये आपका एसी बंद नहीं करेगा। ये आपकी जैसे मान लो फैन स्पीड है, जैसे 4 पे इसने कर रखी थी, तो ये फैन स्पीड को ऐसे अपने आप ऑटोमेटिकली कम कर देगा इसके अंदर। ये इस तरीके से काम करता है ऑटो पे जब आप इसको रखोगे, ठीक है भाई। एंड आप जिनको भाइयों को डाउट है कि क्या ये एसी बंद करता है, देखो भाई एसी ये बंद नहीं करता, उस कंडीशन में बंद होता है जब इसके अंदर जो कूलिंग कॉइल दी गई है उसके अंदर एक सर्टेन टेम्परेचर जब गाड़ी अचीव कर लेती है, तो बाहर से गाड़ी के अंदर जो सेंसर है वो ऑटोमेटिकली इसके कंप्रेसर को कट ऑफ कर देते हैं। ये फीचर आपको मैनुअल एसी सब में मिलेगा, ये सारा सब गाड़ियों में आता है, ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि एसी ये बंद नहीं करता, ये फैन स्पीड को कम कर देता जब ये अंदर की तरफ टेम्परेचर अचीव कर लेता है। एंड इसको पता कैसे लगता है कि टेम्परेचर अचीव हुआ कि नहीं हुआ, वो लगता भाई यहाँ से, ये है इसका प्रॉपरली सेंसर। आप कभी देखना, अगर आपकी गाड़ी का मान लो टेम्परेचर अचीव हो चुका है तो आप यहाँ पे उंगली रख के देखना, कुछ देर बाद ये अपने आप टेम्परेचर बढ़ा लेगा, क्योंकि यहाँ से सेंस ही नहीं कर पाएगा कि टेम्परेचर मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ है। तो इस तरीके से ऑटो काम करता है। ये है भाई फ्रंट डिफोगर का, इसको आप ऑन करोगे सामने का डिफोगर चलने लग जाएगा। ये है भाई रियर डिफोगर का, एंड यहाँ से आप मोड्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको पैरों में हवा चाहिए या आपको सिर्फ पैरों में चाहिए, या आपको डिफोगर ऑन करना है और पैरों में चाहिए, या आपको सामने करना है वो उसका लिए चाहिए। ये अपने आप इस तरीके से सेट करेगा, आपको बस यहाँ से ये बटन को प्रेस करना है। तो भाई इस तरीके से ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल कुछ काम करता है। मैंने आई होप शॉर्ट एंड सिंपल में आपको समझा दिया हो कि एसी बंद करता है कि नहीं करता, किस तरीके से एसी बंद होता है, किस तरीके से एसी चालू होता है। आई होप भाई आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट बताइए आपने राय। थैंक यू सो मच।